हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारी वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। आज का अपना ये टॉपिक है जुलाई के थर्ड क्यूज। इस बार बस दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस क्यूज में, और तो मैं यहाँ पे क्या रिजल्ट निकालता टॉप थ्री। एक दीपक जी हैं और एक मैंग जी हैं, वही नंबर वन और नंबर टू हैं। पता नहीं इस बार आप लोगों ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, बस दो लोगों ने किया। क्या रीज़न थी वो तो मुझे भी नहीं पता। चलिए देखते हैं इस सीरीज़ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और दूसरी बात, आजकल थोड़ा बहुत घर पे बहुत दिनों से बंद हूँ, तो जो चीज़ आसपास में देखता हूँ उसको देखकर दो चार लाइन, दो चार शब्द आपके साथ में मैं शेयर कर देता हूँ, तो ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन, एन इनपुट आउटपुट डिवाइस एट विच डाटा इंटर्स और लिव्स ए कंप्यूटर सिस्टम इज। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है कि देखिए क्या होता है, एक तरह से इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। फॉर एग्जांपल इनपुट के लिए क्या होता है इसमें, कीबोर्ड, और आउटपुट के लिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर टू, द क्वालिटेटिव और क्वान्टिटिव एट्रीब्यूट ऑफ वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल्स इज टर्म एज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, डाटा। ये सब आपका जितना भी आज इस सीरीज का क्वेश्चन था सारा आपके बेसिक लेवल पे था। व्हाट इज़ द ओवरऑल टर्म्स फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिटेबलिंग एंड प्रिंटिंग ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वर्ड प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर फोर, द लेटर एंड द नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल एड्रेस। क्लियर है। आप लोग पार्टिसिपेट किया कीजिए ताकि मेरा ही मनोबल बना रहे, क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं या कहीं पर कुछ कमेंट करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मन करता है कि इससे भी बेहतर बनाकर आपके सामने में लाऊं। क्वेश्चन नंबर फाइव, बीच स्टेट हैज स्टार्ट महारोजगार पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु इज़ द MD ऑफ गुडियर इंडिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संदीप महाजन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेवन, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इक्लिनिकल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्या करना है, सिंपल सा बात है कि इसमें सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे इक्लिनिकल ट्रायंगल का जो रेडियस हो जाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए टू रूट थ्री। तो यहाँ से क्या अपना निकल गया जाएगा, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो 24 दिया हुआ है, 24 टू रूट थ्री, तो यह आ जाएगा अपना 12 रूट थ्री। इसका क्या हो गया, इक्लिनिकल ट्रायंगल के साइड्स का रेडियस हो गया। अब हमको कह रहा है कि निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या का फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और कितना है, 12 रूट थ्री का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, पाई 12 का स्क्वायर 144 और बाई थ्री। तो अपना क्या हो जाएगा, 144 बाई थ्री। और यहाँ से हम लोग काटते हैं इसको, तो 3 4 12 और बच गया 2 और 4 24, तो 3 8 24, तो अपना क्या आ जाएगा, 48 पाई। क्लियर है, एरिया ऑफ सर्कल। अब हम लोग निकाल लेंगे इसमें एरिया ऑफ इक्लिनिकल ट्रायंगल। तो क्या होता है, रूट थ्री बाई 4a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अपना, रूट थ्री बाई 4 × 24 × 24, यहाँ से कटेगा 6 टाइम में, तो क्या आ जाएगा, 144 रूट थ्री। क्लियर है। अब इसमें क्या करना है कि अब इसमें क्या पूछ रहा था कि रिमेनिंग पार्ट का क्या हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर, तो 144 रूट थ्री माइनस 48 पाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर एट, टू मैन, देखिए सर जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपल आप क्या कीजिए, इक्वेशन पे ले जाइए। क्या करना है, टू मैन एंड फाइव वोमेन कैन डू वर्किंग 12 डेज। तो टू मैन कर रहा है तो 2m + 5w, और जितना दिन में कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 हो गया। और सेकेंड इक्वेशन में क्या कर रहा है, इक्वल टू 5 men 2 women, तो 5 men + 2 women और × 9। इसका इक्वेशन बनाइएगा, तो कितना चला आएगा यहाँ से, 24m + 60 women = 45 men + 18 women। क्लियर है। अभी पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका निकल कर चला आएगा यहाँ पर 42
वोमेन इक्वल टू 21 मैन, यानी कि एक आदमी इक्वल टू 2 इंचेस। क्लियर है? अब इस चीज़ को हम लोग को बैठाना था क्वेश्चन में, तो कैसे बैठाएंगे? तो वन मैन टू, तो क्या यहाँ पे बोल रहा है, तो इसको हम लोग सिंपल टू मैन और फाइव वोमेन है ना, तो उसको कन्वर्ट करके सिंपल किसी एक पे ले जाइए, या तो मैन पे लाइए या तो वोमेन पे लाइए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ओनली थ्री, तो इसको हम लोग वोमेन पे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा था अपना, टू मैन प्लस फाइव वोमेन, तो टू मैन मतलब उसका डबल, तो फोर वोमेन प्लस फाइव वोमेन, तो कितना हो जाएगा, नाइन वोमेन किसी वर्क को, मतलब कि नाइन लेडीज मिलकर 12 दिन में कर रही है, तो तीन है, तो कितना हो जाएगा, तो नाइन इंटू 12/3, 3 से 3 गया 36 डेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर। देखिए इसका क्या होता है कि इसमें एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का क्या होता है, तो देखिए आवर इंटू 30 प्लस एम यानी कि मिनट, एम बाई टू माइनस 6 एम। अब इस पर बैठा दीजिए, आवर क्या बोल रहा है, 3 इंटू 30 प्लस एम बाई टू, तो 25 मिनट बाई टू और माइनस 6 इंटू 25। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ से माइनस में 47.5। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को नहीं देखना है, सिंपल क्या इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 47.5। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इफ 10/9/1997 वाज अ मंडे। देखिए यहाँ पर अगर डेट कल रहा है तो इसमें सिंपल, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कोड बताया था, जैसे कि मंथ कोड में जनवरी से दिसंबर का क्या था, तो 144 यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, फिर 025, तो उसका फिर अगला 3, फिर 0, तो इसको याद कर लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च, क्लियर, अप्रैल मई जून, क्लियर, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर, क्लियर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब इसको आपको बस याद कर लेना है, ठीक, इसी पे बैठाना था। सबसे पहले लोग निकालेंगे किसका, 10/9/1997 का, तो उसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, तो 10 प्लस 2 प्लस लास्ट ईयर का दो डिजिट लेंगे, तो 97 लीप ईयर है कि नहीं, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो 24 आ जाएगा, प्लस 0 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ से आपका आ जाएगा रिमाइंडर 0 रहेगा। अब रिमाइंडर जब 0 होता है तो वो कौन सा डे होता है, जब अपना यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो डे किसका होगा, डे 0 किसका होता है, सैटरडे का होता है, जब 0 आया तो वो कोड होता है सैटरडे का, सैटरडे और प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, मंडे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे अब जो हम लोगों को सेकेंड निकालना है उसमें प्लस 2 करेंगे तभी अपना नेक्स्ट मिलेगा। क्लियर है? तब बोल रहा है 10/10/2001, तो इसके लिए क्या करेंगे, 10+1+1+0+6 और बाई 7, तो यहाँ से आप कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4, और 4 कोड होता है किसका, बिजनेस डे का, और बिजनेस डे में प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, फ्राइडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्राइडे। क्लियर है? चलिए अब आशा करता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट क्विज में पार्टिसिपेट कीजिएगा, और एक दो इधर ऐसे ही घर पे हूँ तो मोटिवेशनल वीडियो आती रहती है, उसको भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर पसंद आए तो। धन्यवाद।